फ्रेंड्स, मेरे सिना और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हर बार की तरह फिर से मैं आज लेके आई हूँ एक नई रेसिपी। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आलू दम बिरयानी। बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी, तो चलिए बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं आलू दम बिरयानी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कटोरी चावल लिए हैं, जिनको मैंने 1 घंटे पहले भिगो के रखा था। तो मैंने अब इनका पानी निकाल दिया है। और फ्रेंड्स, अच्छे वाले चावल से ही बिरयानी अच्छी बनती है, तो मैंने यहाँ बासमती चावल लिए हैं। तो अब मैं इन चावलों को उबालूंगी। यहाँ मैंने एक बर्तन रख दिया है, अब मैं इसके अंदर 1 लीटर पानी डालने वाली हूँ। पानी हम यहाँ पर ज़्यादा ही डालेंगे। यहाँ पर हम ढक्कन बंद कर देते हैं ताकि पानी हमारा जल्दी से उबल जाए। तो यहाँ पर मैंने 8 से 10 आलू ले लिए हैं। इन आलूओं को मैंने कच्चा ही है, इनके छिलके निकाले हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने छोटी साइज के आलू लिए हैं, ये हमें बिरयानी में दम लगाने के लिए चाहिए। तो मैं इनको, इनका पानी निकाल कर अच्छे से इनको साफ कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं इनको यहाँ पर एक टॉवल से अच्छे से इनको साफ कर लेती हूँ ताकि ये गीले ना रहे। तो इनको हमें फ्राई करना है, तो इस तरीके से मैं अच्छे से इनको साफ कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पानी उबल गया है, तो अब हम इसमें चावल डालेंगे। मैंने यहाँ पर सारे चावल डाल दिए। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर इसमें 2 तेज पत्ते डाल देती हूँ और इसके अंदर ही मैं डालती हूँ 2 टुकड़े दालचीनी के। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 2 इलायची ली है, तो मैं इनको भी तोड़ के इसके अंदर डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर 1 चम्मच इसमें घी डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और फ्रेंड्स, हम इनको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, 3 से 4 मिनट तक ही पकाना है हमें इनको। और फ्रेंड्स, हम इनको 10 से 20% कच्चा ही रखेंगे, क्योंकि हम इनमें जब दम लगाएंगे तब भी इनको पकाएंगे। तो मैं यहाँ पर अब इसको मीडियम फ्लेम पे कर देती हूँ और इसको ढक देती हूँ। तो 3 से 4 मिनट में हम गैस बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, उधर हमारे चावल पक रहे हैं, तब तक मैंने इधर एक पैन रख दिया है, हम इसमें आलूओं को फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर घी ले रही हूँ आलू को फ्राई करने के लिए। अगर आप घी नहीं लेते हो तो आप तेल में भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा घी गर्म हो रहा है, तब तक हम चावल देख लेते हैं। हमारा चावल को भी 3-4 मिनट हो चुकी है, तो हमें इनको ज़्यादा नहीं पकाना है। तो मैं यहाँ पर गैस बंद कर देती हूँ और इनको एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया है, उसके ऊपर छलनी रख दी है, और अब इन चावलों को का पानी जो है एक्स्ट्रा का हम इसमें निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमारा घी गर्म हो चुका है, तो अब हम इनके अंदर एक एक करके सारे आलू को डाल देंगे और इनको हम फ्राई कर देंगे। तो अब हम इनको थोड़ा सा गोल्डन कलर होने देते हैं आलूओं का, और थोड़ी सी इनमें नरमास आ जाती है, तो हम इनको 5-10 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे आलू का कलर चेंज हो गया है, यहाँ पर इनका ब्राउन कलर होने लगा है। तो हम इनको ये देखिए चाकू से देखते हैं, तो ये सॉफ्ट भी हो चुके हैं। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसमें से आलू सारे निकाल लिए हैं। अभी घी है, इसमें मैं जीरा डाल रही हूँ। आपको अगर ऐसा लगे कि घी ज्यादा है तो आप इसमें से निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 चम्मच जीरा डाल रही हूँ। इसके बाद में मैं यहाँ पर इसमें 2 लौंग डाल रही हूँ, 1 दालचीनी का टुकड़ा, और एक ये मैंने बड़ी इलायची ली जिसको बारीक करके इसमें डाल रही हूँ, और 5-6 यहाँ पर मैंने 5-6 मैंने काली मिर्च ली, उनको भी मैं डाल देती हूँ। तो ये मैंने 1 अदरक का टुकड़ा लिया है जिसको मैंने पतले पतले चिप्स में काट लिया है, तो ये भी मैं डाल देती हूँ। और यहाँ पर मैंने 3-4 हरी मिर्च ली है, उनको भी मैं इसमें डाल देती हूँ। और 1 प्याज लिया है मैंने जिसको इस तरीके से काट लिया है, तो इसको भी मैं डाल देती हूँ। और हम इनको मिक्स कर देते हैं। तो इसको हम 3-4 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हमारे प्याज का भी गोल्डन कलर होने लगा है और हमारी मिर्च भी अच्छे से पक गई है। तो अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, मैंने 2 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज के, जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है, तो मैं ये भी डाल देती हूँ। और इनको अच्छे से, हम टमाटर को भी ज़्यादा नहीं पकाएंगे, हम थोड़ा इनको सॉफ्ट होने देते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा दूध लिया है, इसके अंदर मैं केसर के कुछ धागे डाल देती हूँ, तो इसका थोड़ा हम इसमें कलर आने देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कटोरी दही ले लिया है, ये फ्रेश वाला दही है, तो मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, और 1/2 चम्मच मैं यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच मैं यहाँ पर गरम मसाला डाल रही हूँ, और 1/2 चम्मच में नमक डाल रही हूँ, क्योंकि नमक हमने चावल में भी डाल दिया है तो हम नमक कम ही डालेंगे। और
आधी चम्मच में नमक डाल रही हूँ, क्योंकि नमक हमने चावल में भी डाल दिया है तो हम नमक कम ही डालेंगे। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एकदम इसकी ग्रेवी जैसा। तो यहाँ पर हमारा दही मसाला तैयार है, तो अब इसको हम रख देते हैं और चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर ये देखिए हमारे टमाटर भी थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं, तो हम गैस बंद कर देते हैं। और जो हमने दही मसाला बनाया है अगर हम इसमें डालेंगे गरम गरम तो दही कई बार फट भी सकता है, तो हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद में हम सारे मसाले इसमें डालेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर 4-5 मिनट हो चुकी है और हमारा मसाला ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे दही मसाला। तो अब हम इसको पकने देंगे, हम इसको जब तक पकने देंगे तब तक हमारा घी अच्छे से ऊपर ना आ जाए, पूरा मसाला अच्छे से पक के घी ऊपर आ जाएगा तब तक हम इसको ऐसे ही पकाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हमारे मसाले से घी बाहर आ रहा है, हमारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ आलू और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मैं यहाँ पर डाल देती हूँ, यहाँ पर मैंने 2-3 पुदीने के पत्ते डाल दिए हैं और यहाँ पर थोड़ा हरा धनिया। तो अब मैं यहाँ पर इसमें पानी डाल देती हूँ, तो मैं यहाँ पर 1 कप पानी डाल देती हूँ। तो इसको हम 2-3 मिनट तक पकने देंगे, इसमें उबाल आ जाता है तो फिर हम गैस बंद कर देंगे। तो यहाँ पर उबाल आ चुका है तो अब हम गैस बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे आलू भी तैयार हो चुके हैं और यहाँ पर हमारे चावल भी तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने कुकर लिया है और इसके अंदर हम बिरयानी को रखने वाले हैं। तो एक तो भारी बर्तन है तो नीचे से लगेगा भी नहीं और अच्छे से पक भी जाएगा। तो मैं यहाँ पर लेती हूँ आलू का मसाला। पहले तो मैं आलू मसाला इसके अंदर कुकर में डालती हूँ। पहले आलू मसाला डालूंगी, मैंने आलू मसाला डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इसमें चावल, तो चावल डालूंगी। यहाँ पर आधे चावल डाल दिए इसमें, अब मैं फिर से आलू का मसाला डाल दूंगी। तो मैंने यहाँ पर आलू का मसाला फिर से डाल दिया है। अब जो बाकी के हमारे चावल बचे हैं आधे चावल में अब डाल देती हूँ। तो मैंने सारे चावल डाल दिए है, अब मैं फिर से इसमें हमारा जो आलू का मसाला है उसके अंदर डाल देती हूँ। तो यहाँ पर हमने आलू का मसाला डाल दिया है, अब मैं इसके बाद में डाल रही हूँ हरा धनिया। फ्रेंड्स ये दूध हमने जिसमें केसर डाल के रखा था कलर के लिए, तो यहाँ पर ये कलर आ चुका है अच्छा। अब हम इस दूध को इसके अंदर डालेंगे। और मैंने दूध डाल दिया है, अब हम यहाँ पर गैस पे कुकर को रखेंगे, ढक्कन अच्छे से बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने गैस पर कुकर रख दिया है और फ्रेंड्स हम यहाँ पर एकदम मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे, तो हम इसको 10-15 मिनट के लिए होने देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी बिरयानी को पकते पकते 15 मिनट हो चुके हैं, तो हम यहाँ पर गैस बंद कर देते हैं और इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देते हैं, अभी हम ढक्कन नहीं खोलेंगे। 10 मिनट हो चुकी है तो अब हम यहाँ पर ढक्कन खोल के देख लेते हैं हमारी बिरयानी को। ये देखिए फ्रेंड्स वाओ कितनी अच्छी बनी है, तो हम इसे एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तरीके से हम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी आलू दम बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी और एकदम गर्मा गर्म। तो फ्रेंड्स इसे देखकर तो मेरे मुंह में आ रहा है पानी, पर आप इसे किसी के भी साथ खा सकते हैं। चाहे तो आप नारियल की चटनी या इमली की चटनी या फिर आप इसे रायते के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी हमारी आज की रेसिपी? अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक आप इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए।